नमस्कार, आर एन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं आज बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। पालक पनीर बनाने के लिए हमने पालक को धो करके साफ करके उबाल लिया है। इसको अब हम मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। पनीर के हमने पीस काट लिए है। हमने एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल गर्म कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे जीरा, हींग, एक प्याज को मिक्सी में पीस लिया हमने। प्याज को हम भून लेंगे। दो हरी मिर्च कटी हुई, प्याज हमारी भून चुकी है। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, सबको हम भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है। अब डालेंगे इसमें हम दो टमाटर पिसे हुए, इसमें हम गरम मसाला इसी में डाल देंगे। ग्रेवी हमारी भून चुकी है अच्छे से। देखिए ग्रेवी ने तेल भी छोड़ दिया है। ग्रेवी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब डाल देंगे इसमें हम पालक। हमने पालक को उबाल करके पीस लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा गिलास पानी। नमक, इसमें डाल देंगे हम पनीर, और इसको ढक करके हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम गैस पे। सब्जी हमारी बन चुकी है और हम गैस बंद कर देंगे। इसमें हम ऊपर से पनीर और डाल देंगे। देखिए तैयार है हमारा पालक पनीर। बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है खाने में।